सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज प्रिंटिंग हैंड राइटिंग की। अभी तक हमने जाना कर्सिव हैंड राइटिंग, उसके थ्री कनेक्शंस के बारे में भी। जब एक लेटर दूसरे लेटर के साथ कनेक्ट होता है, दैट इज कर्सिव हैंड राइटिंग। तो अब कई बार कुछ व्यक्ति एक लेटर से जब दूसरे लेटर की तरफ जाते हैं तो वो लेटर्स को कनेक्ट नहीं करते, उसको हम प्रिंटिंग हैंड राइटिंग बोलते हैं। हम उसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा प्रिंट, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर एक लेटर को जब दूसरे लेटर के साथ कनेक्ट जा रहे हैं दूसरे लेटर के साथ, तो यहाँ लेटर नहीं यूज हो रहा। फिर दूसरे लेटर के पास गए, फिर कनेक्टर यूज नहीं हुआ, फिर अगेन। तो इस हैंड राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग हैंड राइटिंग। जब आप एक लेटर के पास दूसरे लेटर के पास जा रहे हो तो आप कोई भी कनेक्टर यूज नहीं। सो अब हम इसको और डीप समझते हैं। ग्राफोलॉजी में वन लेटर का मतलब होता है वन थॉट, और ये जो थॉट्स ही है, ये ही मिलकर हमारे जो थॉट्स इकट्ठा होकर हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। और ग्राफोलॉजी क्या है? हमारी पर्सनालिटी ही तो है, अपनी पर्सनालिटी को जानते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति एक लेटर से दूसरे लेटर के पास जा रहा है और वो कनेक्टर यूज नहीं कर रहा, इट मीन्स वो, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्स्ट्रा टाइम सोचने में ले रहा है। एक थॉट से जब दूसरे विचार पर जा रहा है, थॉट से जा रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेता है। इन हैंड राइटिंग वालों का ट्रेट, इसको और डीप समझते हैं। मान लीजिए आप कभी इस व्यक्ति से बात करेंगे तो आप उससे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं, राइट? तो वो व्यक्ति बात करेगा, आपको बताएगा कि मैं इस तरह सा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो सबको ये चीज समझ में आ रही है कि मैंने क्या लिखा है। मैं बहुत ही क्लियर लिखता हूं ताकि हर कोई इसको पढ़ सके। तो यही इन व्यक्ति का ट्रेट रहता है कि इनका तरीका ये रहता है कि मैं बाहर से बिल्कुल क्लियर हूं, दो सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि ये व्यक्ति क्लियर है, बट ये एक थॉट से दूसरे थॉट में जाने में टाइम लेता है। जब भी आप एक्स्ट्रा टाइम कब लेते हैं? आप एक्स्ट्रा टाइम हमेशा तब लेते हैं जब सोचा विचार करते हैं। तो सोच और विचार कहाँ पर करना पड़ता है? जहां पर आप सोचते हैं कि ये सही है या गलत है। तो इनका ये ट्रेट रहता है कि कभी कभी जब सामने वाले व्यक्ति को कोई बात बोलनी है तो ये पहले थोड़ा सोच विचार करेंगे। तो हो सकता है जो बात कहनी है वो ये नहीं कहेंगे, अपने दिल में वो बात रख लेंगे। तो एक कैरेक्टर इनका बोल देते हैं हम डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे डिसऑनेस्टी को हम बिल्कुल भी गलत वे में नहीं लेंगे। डिसऑनेस्टी बिल्कुल भी चीटिंग के साथ हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे, राइट? मान लीजिए कि आज मैंने ये जो ड्रेस डाली है तो सामने मेरी फ्रेंड है, उसको वो ड्रेस पसंद नहीं है, उसको लग रहा है कि अरे इंद्रजीत को मैं बोलूंगी कि अरे इंद्रजीत ये तुम्हारा ड्रेस नहीं अच्छा लग रहा, तो इंद्रजीत को फील हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे फील ना हो तो मेरी फ्रेंड बोलेगी इंदर तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा है, आप समझे? तो वेदर उसको ये चीज पसंद है या नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाएगा, तो इसीलिए वो सोच विचार कर बात करता है, मतलब शब्दों को तोल मोल कर बात करता है। तो इसको हम डिसऑनेस्टी बोलते हैं। तो डिसऑनेस्टी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इसको और डीप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आप कि कैसे ये अच्छी भी है और कम अच्छी भी है, उसके लिए आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, ग्राफोलॉजी फॉर ऑल। सो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।